प्यारी साध संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। साध संगत जी नॉर्थ ईस्ट के समागम पे सिलीगुड़ी में आप यहाँ सत्संग का आनंद ले रहे हैं, एक भक्ति भरा वातावरण बना हुआ है और ऐसा वातावरण सिर्फ तब बन पाता है जब इस निरंकार प्रभु परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। दुनिया में तो किसी के पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि 5 मिनट रुक के मुस्कुरा के किसी से बात कर पाए, सब अपनी परेशानियों में कामों में इतने व्यस्त हैं। और इसका मेन कारण है कि सब सिर्फ सबको अपनी अपनी पड़ी है, सिर्फ अपने लिए ही सब कुछ करना चाह रहे हैं। उनकी ईगो और अभिमान इतना आगे आ चुका है। सत्संग जी, किसी की तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अनेकों प्रकार के टेस्ट्स उनको लिख देता है ताकि बीमारी के रूट कॉज तक पहुंचा जा पाए। इसी प्रकार अगर हम ध्यान से सोचें तो इस ईगो, इस अभिमान का मेन रूट कॉज इस प्रभु परमात्मा से इंसान दूर होता जा रहा है और अपनी ईगो से नज़दीक होता जा रहा है। कहने को तो कह देते हैं, हम प्रार्थनाएं भी करते हैं, गुरु पीरों को भी मानते हैं, पर आपने बाबा जी से भी सुना, गुरु पीरों को तो मानना है हमने, पर उनकी भी माननी है। जो शिक्षाएं हमें उन्होंने दी उनके ऊपर हमने चलना है। साध संगत जी, नॉलेज इज़ नॉट जस्ट नोइंग बट लिविंग। ये जो हमें ज्ञान मिला है ये सिर्फ एक जानकारी की तरह नहीं हमने लेना, बट इस मिशन की शिक्षाओं पे जो बाबा जी ने 36 वर्ष दिन रात एक करके हमको सबक सिखाया, उन सब शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार के आगे बढ़ना है। साध संगत जी, एक बार संगत में ही महापुरुषों से एक बात सुनने को मिली कि वो कहीं प्रचार पे गए हुए थे और जब ज्ञान की प्रेरणा देने लग पड़े तो किसी ने बीच में से कहा, अगर आप लाला जी वाला ज्ञान दे रहे हैं तो हम अवश्य उसे लेंगे। वो महापुरुषों ने किसी से पूछा, ये लाला जी वाला ज्ञान क्या है? तो वो महापुरुषों ने बताया कि हमारे गांव में एक लाला जी हैं, वो सबसे लड़ते झगड़ते थे और अपने काम में बहुत बेईमानी करते थे, पर अचानक ही कुछ दिनों के लिए वो कहीं चले गए और जब वापस आए तो वह बिल्कुल बदले हुए थे। सबसे प्यार से बात करनी उन्होंने और जिस जिस के साथ उन्होंने कोई गलती की थी सबसे माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। साध संगत जी, ज्ञान के बाद ऐसा चेंज आता है इंसान के जीवन में, और हम अपने जीवन में चेंज लाएंगे, भक्ति भाव लाएंगे तो हमारे जीवन तो खुशहाल होगा ही, सुंदरता आएगी हमारे जीवन में, पर ये संसार भी एक सुंदर रूप बन पाएगा सबके लिए। साध संगत जी, हम एक सड़क पे देखते हैं कि सुंदर पेड़ लगे होते हैं, पत्ते उस पेड़ पे खूब खूबसूरत होते हैं, खुशबूदार फूल लगे होते हैं, वो पेड़ उस सड़क की सुंदरता तो बढ़ाते ही हैं, पर सबसे पहले उस पेड़ की अपनी सुंदरता होती है। और सब कहते हैं कितना सुंदर पेड़ है ये, कितने महकदार फूल लगे हुए हैं इस पे। निरंकार कृपा करे कि हर संत का जीवन भी उन्हीं फूलों की तरह महक वाला खूबसूरत जीवन हो और वो इस दुनिया में हर एक के जीवन में वही खूबसूरती और सुंदरता ला पाएँ। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी।